अबे नल्ले कौन है तू? सर हम दोनों एक ही करेंसी वाले हैं, मेरी थोड़ी हेल्प करो ना प्लीज। कौन थे वो लोग? लेनदार है सर, मेरा नाम बॉबी चुनावाला, यहाँ बिना वीजा के रह रहा हूँ। मेरी खूबी भी वही है और कमजोरी भी वही है। बोल डाल। लोगों से मिलते ही 10 मिनट में उनसे लोन ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ जुए में उसे डबल कर लूंगा पर हार जाता हूँ। $10,00,000 का उधार है, जितने जिंदगी में दिन नहीं है उससे ज्यादा तो उधार चढ़ गया है। पासपोर्ट भी गिरवी रखा हुआ है। स्ट्रगलिंग एक्टर से भी बदतर लाइफ है। आई एम पेनीलेस, होमलेस, होपलेस, जॉबलेस। धंधा पानी अपन देगा। हाँ थैंक यू सर, क्या काम करना है? बेबी सिटिंग। बच्चा कौन है सर? पापा ने सुबह से मैं ही मिलाऊं क्या? तेरे को अपन पे नजर रखना है, अपना सर्किट गहला है। अपन मालदार है, तेरे को इतना सैलरी देगा कि तू अमीर हो जाएगा और अपन गरीब। अच्छा एक बात सुन बेटा, मतलब तुम्हें ही बताना है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है अब भी से नौकरी चालू। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि तुम इस वक्त गाड़ी चला रहे हो। ओह इसका किराया तो बहुत होगा भाई। तुम काम क्या करते हो यार, मुझे भी लगा लो। घर में किधर भी भटक सिवाय इस कमरे के। उसमें भाभी है क्या? ओह सॉरी सर। उलिया ठीक कर ले, बाद में खाना खाते हैं। खाने से पहले पीने को मिलेगा? टंकी फुल कर दूंगा। ये तो माल्या का बाप है। एक काम करता हूँ, इससे भी उधार ले ही लेता हूँ, मेरा क्या जाता है। एक दिन इसको खटमल मारने वाली दवाई मिला के पिला दूंगा, फिर इसका घर बेच के और जुआ खेलूंगा। जुआ तो मैं कभी जीतता नहीं, इसलिए हार के फिर सड़क पे आ जाऊंगा। आइए सर बैठिए ना। सर कच्ची लेंगे या नल का गंदा पानी भर के लाऊं? पूरा भर दूं ना? नहीं नहीं बस कर। इतना पैसा मेरे पास होता तो मैं तो पानी की जगह दारू ही पीता, आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हो। चीयर्स। चलो अभी अपन लोग दोस्त दोस्त। बकवास छोड़ काम की बात बोल। आज मेरा काम पे पहला दिन है तो अपने बारे में कुछ बताओ ना। पूछना। आपका नाम क्या है? अमर। पिछली जिंदगी भूल गया। शुरुआत करते हैं आपके फेवरेट फूड से। दाल तड़का, बैंगन भरता और कपकेक्स। फेवरेट पिक्चर कौन सी है? बदले की आग। ये तो मार धाड़ वाली फिल्में देखता है भाई। फेवरेट हीरो? सनी देओल। मुझे भी बॉबी देओल पसंद है, दोनों भाई बहुत अच्छे एक्टर है। कांच की बोतलों का यही तो प्रॉब्लम है, टूट जाती हैं। ये तो अच्छी बात है कि मैं सफाई करना भी अच्छे से जानता हूँ। 4 साल अमेरिका की म्युनिसिपैलिटी में था ना, उनसे भी उधार ले रखा है मैंने। आपने तो ड्रिंक पिया ही नहीं। कौन है भाई तू? मैं तो वही हूँ जो थोड़ी देर पहले था। नवाब से मजाका कर रहा? पहचानो सर बॉबी हूँ। किसकी भाभी? मेरा पठानी किधर है भाई? मैं बंडी में कायकू। लगता है इसको 2 घूंट में चढ़ जाती है। मैं इधर को कैसे आया भड़काऊ? अरे ये आप ही का घर है। क्या बैगन की बात कर रहा? लगता है इना को शराब बड़ी जोरा से चढ़ी है। हावला 2 ही घूंट में अपना खुद का घर भूल गया ये। कहीं तनख्वाह के दिन भी मुझे भूल गया तो? अरे मियाँ एक बात बता, हम दोनों का रिश्ता क्या होना रे? अपन दोस्त हैं। हम दोनों एक थाली के 2 बैगना है। तो पहले सर खाएकू बोला? सर नहीं बोला था, सॉरी बोला था। तूने टीचर सुना नहीं होगा। 2 घूंट में चढ़ गई तुझे, मैं क्या पूरी रात अकेला पीऊंगा? ले डाल। डालना रे। तू ही डालना। अच्छा मैं मेहंदी लगी है क्या? चल डालना यार। अच्छा नीट ले रहे हो, भैया तो गए। दीले, दीले। कटकले बेटा कटकले, आजे घर मेरा। अचार किधर है रे? अचार क्या करेगा? अचार चखना। अचार की बोतल टूट गई थी बे। वो अचार मत खाना, उसमें कांच के टुकड़े होंगे बेटा। मेरा चैन खो गया। किधर दिखे मेरा चैन तो देना, बहुत महंगा था। ठीक है मैं ढूंढ के आता। जा रे चद्दर ओढ़ के सोना। ये तो गजनी है। इसके घर के कमरे किराए पे दूंगा और सारे पैसे लेके लास वेगास जाऊंगा। जुआ खेलता रहूंगा, हारता रहूंगा। लास वेगास आ रहा हूं मैं। ये तो सोने चला गया था। वापस काहे को आया बे? मेरे को एक शक होना। कैसा शक बे? क्या हम लोग बचपन में डॉक्टर डॉक्टर खेले? खेलने का मन कर रहा है? आईने में तुम्हारी कबूतर जैसी हंसी देखकर मेरे दिमाग में खटखट हो रही। क्या तुम 1 नंबर आके खबीज और 2 नंबर आके मखार हो? तेरी मैली चड्डी पहनता था मैं, आज पैसा आ गया तो भूल गया मुझे। अच्छा मेरी सारी जानकारी तेरे पास है? अबे तुझसे ज्यादा। ये क्या बोल दिया? मेरे पैन कार्ड पे क्या नाम लिखवाएगा? अमर अकबर। अरे पूरा नाम बता रहे हावले। पूरा नाम? जोधा अकबर। जलाल अकबर, उस्मान जलाल अकबर, मोहम्मद बिन उस्मान जलाल अकबर। जैसे मेरा कर्जा बढ़ रहा है उसी तरह तेरा नाम बढ़ रहा है। सल्तनतें बदली, मेरा नाम नहीं बदला रे, कबर की तख्ती पर भी यही होएगा। अबे तो क्या करूं? तेरे खाल की चप्पल पहनूंगा मैं। पहन ले चप्पल, वो भी चोरी हो जाएगी। उधार पता कितना मेरे पे? ये मेरा गरीब खाना है, जलालुद्दीन अकबर का। अमर का घर है। अमर? ये कौन है? अमर कौन है मतलब? पीने से पहले तो तू ही था। नलके का पानी नहीं डालना चाहिए था। भाई साहब एक ब्रेक ले लो और एक पैक पी लो। चलो। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। इतने बाजू इतने सर, गिन ले दुश्मन जान से। जी जान से। हम सब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं।
लगा के हंसने लगा। कहीं अकबर बाबर तो नहीं बन गया? एक काम करते हैं, सेफ गेम खेलते हैं। अकबर भाई, रियाया कैसी है? Who's अकबर? ओहो, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ ही गए आप। वेलकम बैक अमर सर। कौन अमर? I'm एंथनी। एंथनी मार लो। फिर कैरेक्टर बदल लिया? लगता है इसे एक्टिंग के कन खजूरे ने डंक मारा है। ये घर किसका है? आर यू कंपाउंडर? कंपाउंडर नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं नहीं, हम दोनों इस घर में साथ रहते हैं भाड़े पे, रूममेट्स। ओह, डबल फीस के चक्कर में मैं होम विजिट पर आया हूँ। हैप्पी ईस्टर। तुम्हारे लीवर में कचरा है? क्यों, तुम साफ करोगे उसे? ताड़ी पीना बंद करो। पर अमर तो पीता है, अकबर भी दबा के पीता है। ये अकबर कौन है? तुम ही हो। प्रोसोपोग्नोसिया। ये कहा रहता है? तेरी बीमारी। मुझ में तो सिर्फ बीमारी है, तुझमें दो और आदमी है। फेस आईडी का पासवर्ड हिल गया है, सब लोग तुमको सेम दिखते हैं। हाँ, जब चाइनीज फिल्म देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है। इसका इलाज क्या है सर? रात को लौंग चूसो और सुबह बिना आंखें धोए सूरज से आंखें लड़ाओ, तुम्हारा मोती बिंदु पिघल जाएगा। तो अच्छी बात है ना डॉक्टर, अमर को बताने के लिए कुछ तो रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। आपका फेवरेट फूड क्या है डॉक्टर? चिकन पैरासिटामोल। और आपकी फेवरेट पिक्चर? तन बदन। वो तो बायोलॉजिकल पिक्चर है ना। डॉक्टर लाइन में हूँ ना। आपसे बड़ा एक्टर नहीं देखा मैंने। बॉबी, पता नहीं मुझे क्यों बहुत जोरों की नींद आ रही है। हाँ तो टेबल पे पैर फैलाओ और सो जाओ, अच्छे से सोना, टेंशन लेना मत और देना भी मत। बेबी सिटिंग के नाम पे बाबा सिटिंग करा रहा है। पहले मालूम होता कि इतनी मेहनत का काम है तो उधार लेके गधी के सर से सिंह की तरह भाग जाता। लगता है आज अमेरिका में दिवाली है, सोने नहीं देंगे ये लोग। अबे ठुमका काय को लगा रहा है? अमर सर, कोई शक? आपकी प्रॉब्लम पकड़ ली मैंने। पेमेंट कैसे दोगे, ब्लैक में दोगे या व्हाइट में? क्या प्रॉब्लम है आप उनकी? अचानक से बदल जाते हो आप, फिर धीरे से दोबारा बदलते हो, उसके बाद अमर नहीं रहते, आपका मेमोरी कार्ड बदल जाता है। एक चिकन पैरासिटामोल खाता है, दूसरा वेजिटेरियन है, एक को एक्शन फिल्में पसंद है, दूसरे को तन बदन, एक डूबा रहता है, एक सूखा। बोले तो? बेवड़ा। सच्ची? अभी दिखाता हूँ। ये पी के देख, दारू से अपन चेंज हो जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पी के देखना। अकबर को बॉबी का सलाम। ये कौन है बीड़ू? ओहो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, तू बोला अपन की सटकती है, ये तो तेरी सटक गई। वन मोर मिनट। बदल, पलट, निकल, बाहर। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, आज भी इसे मिस करता हूँ। श्रीदेवी से कुछ नहीं हुआ, माधुरी का गाना लगाऊं क्या? उसे देखकर धक-धक होता है। देख भंटाई, अपन उनके कंकाल में कंकर फंसेला है, उसे बाहर निकालने का रास्ता बता। किसी तांत्रिक को मिल ले। मेरे लिए अघोरी तू ही छे। कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे? अपन उनकी गारंटी है, अभी तेरे नाने धोने के वादे हैं। अपन उनकी केयर टेकिंग की तो वॉशिंगटन में तेरी कार वॉश की दुकान होगी। पापा सही बोलते थे, पैसे कमाना बहुत मुश्किल 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 है। Excuse me, FBI. Yes, sir. हमें डॉक्टर एंथनी से मिलना है। प्लीज कम इन। डॉक्टर एंथनी आप हैं? Yes, I am डॉक्टर एंटोनी। तो फिर ये कौन है? Oh, ये अमर है, a very nice guy. ये आप कैसे बोल सकते हैं? मुंह से और कैसे? डॉक्टर, अमर के साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। अगर आपको ऑपरेट करें तो उस गरीब का भला हो जाएगा। श्योर ऑफिसर। अमर को आप कैसे जानते हैं? ओह, करीब 14-15 साल पहले जब एक बर्फीली सुबह हम पार्क में जॉगिंग कर रहा था तो वहां दो बच्चा लोग को बड़ा ट्रबल में देखा। हम दोनों बड़ा रिच फैमिली का लगता था। यस, जॉगिंग के बाद जब रिटर्न होने को हुआ तभी भी वो वही था। हाय, कौन हो तुम लोग? इधर काय को बैठा है? कहीं तुम लोग किसी का वेट तो नहीं करता है? इधर रहना सेफ नहीं है, मालूम है क्या? ओके? ओ, बेबी को तो फीवर है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। कम कम, लेट्स गो, कम ऑन। अरे तुम लोग काय को वरी करता है, मैं डॉक्टर हूँ। ए जैक, बच्चा लोग एडमिशन के लिए आया है, फॉर्म बाद में भरेगा। नर्सिंग स्टाफ है क्या? यस डॉक्टर। ओके थैंक यू। कौन कौन अपने को ही मैन समझता है? जस्ती नहीं? और कौन कौन अपने को सिंड्रेला समझती है? अनबिलीवेबल। बीमार होने में कोई बुराई नहीं और सैड होने में भी कोई बुराई नहीं, बट एक बात बच्चा लोग हमेशा याद रखो, हम सब बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ दिन बाद मेरे को एक अजीब सा इंसिडेंट देखने को मिला। ऐश्वर्या, चलो, ट्रस्ट मी, मजा आएगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी।
Trust me. मैं ऐश्वर्या को बहुत ही डीपली स्टडी किया। शी हैज अ प्रॉब्लम कॉल्ड डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब नॉलेज के लिए सर? मल्टीपल पर्सनालिटी या बहुत से किरदारों को एक साथ जीना। फिक्र मत करो ऐश्वर्या, मुझसे ज्यादा अमर ऐश्वर्या का केयर करता था। बट वन डे एक और अजीब वाक्य देखने को मिला। हाय, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। यहाँ पर सबसे स्ट्रांग कौन है? कुछ ही लोग, लेकिन हम सब ही स्ट्रांग हैं। मैं डॉक्टर एंथनी बोल रहा हूँ। आज मुझे बहुत काम है, प्लीज मुझे बाद में कॉल कीजिए। अमर, क्या हो गया सर? मैं अमर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर एंथनी हूँ। प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, इसका मीनिंग बोलो तो। मैं समझ गया था, अमर को भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। दोनों को एक ही प्रॉब्लम क्यों है, एनालिसिस करने की कोशिश की, और वो था दोनों के बीच का लव। ऐश्वर्या का इलाज करने की मेरी कोशिश की वजह से अमर के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। पर दोनों के टेंडेंसीज में थोड़ा फर्क है। ऐश्वर्या अचानक से वायलेंट होने के बाद तुरंत ही नॉर्मल हो जाती है, लेकिन अमर उस किरदार को जीने लगता है। मतलब वो बिल्कुल कोई और ही बन जाता है, और कभी कभी तो वो बिल्कुल अकबर की तरह बिहेव करने लगता है। उस किरदार से निकलने के लिए उसे काफी वक्त लगता है। वो कब कौन से किरदार में रहता है पता ही नहीं लगता। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक पेशेंट है, बिली मिलगन। वो 24 पर्सनालिटीज में जीता है। वो जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा था, जिनसे कभी मिला था, जिन्हें कभी देखा था, या और भी कई ऐसी वजह हो सकती है। ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा ही मशहूर केस है। यानी कि कुछ ऐसे खास ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से वो तुरंत बदल जाता। ट्रिगर्स मतलब? मतलब कोई खास आवाज, कोई खास चेहरा, कोई मनपसंद खुशबू, या फिर किसी का टच। और भी बहुत सारी वजह है इससे।